हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। देन आई एम पायल गोइंग टू टीच यू पार्ट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन पार्ट 1 वी हैव कवर्ड कार्बन एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इन पार्ट 2 वी कवर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। Let us start with the chemical properties of carbon and its compound. First one is combustion reaction. I already explained what is combustion reaction in chapter 1 chemical reaction, part 2 types of chemical reaction. For more details about this, I do share the link of particular video in description box. So simply the definition of combustion reaction is burning of fuel or burning of substance in presence of oxygen, that is called as combustion reaction. जब भी कोई भी substance या फिर कोई भी material burn करते हैं, जलाते हैं in presence of oxygen, तो वो हमारी reaction हो जाती है combustion reaction. अब हम देख लेते हैं कि carbon और carbonaceous material जो होते हैं, जब हम उसको burn करते हैं in presence of ऑक्सीजन, तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है? तो एक फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है हमको? हीट एंड लाइट के फॉर्म में। इसका मतलब है कि जब भी हम कार्बनियस मटेरियल को बर्न करेंगे, उसमें से एक फ्लेम निकलेगी, तो जो फ्लेम होगी वो हमको हीट एंड एनर्जी जो है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है, वो हमको आउटपुट में मिलेगी। साथ ही साथ में जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज, व्हेनेवर द कार्बन इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑल्सो गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अगेन ये सिंपल कार्बन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ में, जिसको हम कंबशन रिएक्शन कह रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कार्बनियस मटेरियल किस तरीके से कंबशन रिएक्शन शो करते हैं। देन मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगेन इट विल गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। यहाँ पे जो मीथेन है, हमारे डे टू डे लाइफ में हमने जो एलपीजी गैस यूज करते हैं हमारे किचन में, गैस स्टोव में, जब भी हम गैस जलाते हैं, ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं, गैस बर्न करते हैं, तो उसमें से एक फ्लेम निकल कर आती है। जो फ्लेम निकल कर आती है वो होती है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, बिकॉज अवर एलपीजी गैस कंटेन मीथेन गैस, तो उसमें मीथेन गैस होती है। तो जब भी वो हम जलाते हैं, तो उसमें से जो एक फॉर्म मिलता है हमको, एनर्जी फॉर्म मिलता है, जो होता है फ्लेम के फॉर्म में, हम उसे कहते हैं। लाइट फॉर्म में भी हमको मिलती है और वो हीट प्रोवाइड करती है, जिसको हम यूज करते हैं कुकिंग ऑफ फूड में। तो हम इसको केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। CH4 डेट इज अवर मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स अगेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। नेक्स्ट वन इज इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, अगेन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट एंड लाइट। सो केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज CH3 प्लस CH2OH, दैट इज अवर इथेनॉल प्लस O2, इट विल गिव CO2, दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि जितना भी कार्बन मटेरियल है या फिर पर्टिकुलर कार्बन है, जब भी ये कंबशन रिएक्शन शो करेगी, केमिकल प्रॉपर्टी जब भी ये शो करेगा कंबशन रिएक्शन की, तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। कब? जब वो हाइड्रोकार्बन है तब। और साथ ही साथ में हमको एनर्जी मिल रही है, कौन से फॉर्म में? हीट एंड लाइट के फॉर्म में। फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट वन रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सो व्हाट इज बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी लिंक्स होगी वो मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी किसी कंपाउंड में या फिर किसी मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसमें एक एटम का एडिशन होगा ऑक्सीजन का, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो नाउ वी विल सी हाउ इट कैन बी डन इज एक्सप्लेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये
होता है. सो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने इथेनॉल का. इथेनॉल में हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने के बाद में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, इस रिएक्शन को हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो अल्कलाइन सोल्यूशन भी ले सकते हैं, अगेन हम उसके अगेंस्ट में, या फिर हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं होगा तो एसिडिफाइड सोल्यूशन ले सकते हैं. किसका? K2Cr2O7 का. अगेन इट रिक्वायर्स हीट फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में. तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड, और इट विल कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये है हमारा अल्कोहल. अल्कोहल में हम लोगों ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, और साथ ही साथ में हमारा ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है. किसका? अल्कोहल का. दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनॉल. सो ये हमारा जो अल्कोहल है, हमने इसमें जब ऑक्सीजन का एडिशन किया तो हमको अनादर फंक्शनल ग्रुप मिला. कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड का. सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड. यहाँ पे हमने क्या किया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट. अब नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं कौन सा है, एडिशन रिएक्शन. इन एडिशन रिएक्शन वी विल सी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो हियर यहाँ पे जो कंपाउंड है इसको हमने नेम नहीं दिया, इसका नोमेनक्लेचर नहीं किया, बिकॉज ये R जो है रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप मीन्स उस जिसका एक हाइड्रोजन एटम कम होता है और वो किसी और के साथ में अटैच होता है. तो ये भी हो सकता है CH3 भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ये R जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनी अल्काइल ग्रुप, एंड दिस कंपाउंड कॉल्ड एज अल्कीन ग्रुप बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्कीन ग्रुप्स. ओके, सो व्हेनेवर वी ऐड द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये जो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा नहीं, तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे निकल का, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा. तो हाइड्रोजन का एडिशन होने के बाद क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा. देन हमको कंपाउंड मिलेगा कौन सा? अल्केन का, बिकॉज इट हैज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो क्या ब्रेक हो गया, और बॉन्ड किसके साथ में बना? हाइड्रोजन के साथ में, बिकॉज यहाँ पे क्या एडिशन हुआ हमारा? हाइड्रोजन एडिशन हुआ. तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन के साथ में, बिकॉज इट इट सेटिस्फाई देयर ऑक्टेस्टेट, है ना. कार्बन के पास चार बॉन्ड होने चाहिए उसको ऑक्टेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसने सेटिस्फाई किया अपने ऑक्टेस्ट स्टेट को हाइड्रोजन के साथ में, और हमको आउटपुट में क्या मिला? अल्केन मिला. ये जो था हमारा अल्कीन, हुज हैव अ डबल बॉन्ड, और आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वी विल गेट अल्केन ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे हमने इस कंपाउंड को भी कोई नाम नहीं दिया बिकॉज इट हैव आर ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है हमारा. तो इस चेन का नाम हमें नहीं बता सकते बिकॉज इट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप और अल्केन ग्रुप. नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट और एटम बिटवीन द रिएक्टेंट फेज और बिटवीन द रिएक्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. This reaction is between methane plus chlorine. It will give chloromethane plus hydrochloric acid in presence of sunlight. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो substitution reaction है, यहाँ से एक chlorine atom जो है वो किसको replace कर रहा है? यहाँ के एक hydrogen atom को replace कर रहा है, और हमको क्या दे रहा है? Chloromethane. और इसको हम chloromethane क्यों कह रहे हैं? Because कि हमने नोमेनक्लेचर में देखा है कि व्हेनेवर द हैलोजन ग्रुप इज अटैच विद द अल्केन्स, किसी भी अल्केन या फिर हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच होता है, तो हम प्रीफिक्स में हेलो या फिर क्लोरो या फिर ब्रोमो इस तरीके से लगाते हैं. तो नोमेनक्लेचर जो है किसी भी कंपाउंड का, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसके प्रीवियस वीडियो में, और उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी. सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. It will obtain after the reaction between methane plus chlorine in presence of sunlight. Now, we will study some important carbon compound like
इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. हम इसकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है बिकॉज इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन और विथ फंक्शनल ग्रुप, जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच है. तो हम इसकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं अनादर एलिमेंट के साथ में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विथ सोडियम. हम यहाँ पे इथेनॉल की रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम के साथ में. सो जब ये रिएक्शन होगी तो जो एच है, अल्कोहलिक ग्रुप का एच है, वो रिप्लेस हुआ सोडियम से. यहाँ पे भी ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन एटम किससे, सोडियम मेटल से. तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऑफ रिमूवल. और यहाँ पे हमने एक बैलेंसिंग किया हुआ है इस रिएक्शन को, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में और यहाँ पे हम लोग एक ही हाइड्रोजन का रिप्लेस कर रहे हैं. तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन टू गिव्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब इस रिएक्शन में भी हमने क्या देखा है, इथेनॉल की रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट वन में कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दोज हैव अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि उसके पास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन कंपाउंड के बीच में. और वी कैन कॉल्ड एज कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गए. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होगा अनसैचुरेटेड में. सो इट विल गिव्स इथीन ग्रुप, राइट. जब भी हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसमें, हॉट कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 एट 443 केल्विन, किसमें, हॉट कॉन्सेंट्रिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा हमारा बहुत ही हॉट होगा. कितने टेम्परेचर में हम ये रिएक्शन करने वाले, 443 केल्विन टेम्परेचर पे. तब हमको अल्कोहल का, हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, इथीन ग्रुप मिलेगा प्लस द इवोल्यूशन ऑफ वाटर. इसमें सेपरेट आउट क्या हो रहा है, वाटर है जो सेपरेट आउट हो रहा है. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. फर्स्ट वन इज इस्टरिफिकेशन रिएक्शन. इस्टरिफिकेशन रिएक्शन इट मीन्स डैट कि जब भी कोई कंपाउंड के बीच में इथेनॉइक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन होती है और हमको इस्टर फॉर्म में कंपाउंड मिलता है, हम उसी रिएक्शन को इस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इथेनॉइक एसिड का और इथेनॉल का, जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इथेनॉइक एसिड इथेनॉल का. इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विल गिव्स इस्टर, ये हमको इस्टर मिल रहा है यहाँ पे. और विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर, किसके इवोल्यूशन में, वाटर. इसमें से रिमूवल क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो रहा है और हमारा इस्टर जो है वो मिल रहा है. तो इसी रिएक्शन को हम इस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट वन इज इस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. जो इस्टर होते हैं वो एकदम बहुत ही मीठी सी खुशबू निकालते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हमको मीठी सी खुशबू देते हैं. देयर आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स आर फ्लेवरिंग द एजेंट. ये जो इस्टर होते हैं वो परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं. और साथ ही साथ में जब इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये रिएक्शन जो हो रही है हमारी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में हो रही है, जब भी ये एसिड में हो रही है तो हमको इस्टर मिल रहा है. अगर हम इस्टर को इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस में अगेन रिएक्शन करेंगे तो हमको ये जो रिएक्शन है रिवर्स बैक में क्या देंगी, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल देंगी. और इसी रिएक्शन को हम सेफोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ सोप. हम सोप के प्रिपरेशन में इस रिएक्शन का यूज करते हैं, इसीलिए ही हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सेफोनिफिकेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो रिवर्स रिएक्शन जस्ट इसका, बिकॉज इट विल गिव्स द ईस्टर, ये भी हमारा ईस्टर है. देन हमने इसको इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जो हमारा बेस है उसमें रिएक्शन की तो हमको अगेन रिबैक में क्या मिला, इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल, ये हमको रिवर्स बैक में मिला है. और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेफोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज यूज इन सोप प्रिपरेशन मेथड. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद बेस. अब हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन होती है बेस के साथ में वो किस तरीके से होती है. तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये बेस के साथ में जब रिएक्शन करेगा तब हमको सोडियम इथेनेट मिलेगा. जो यहाँ का एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है सोडियम मेटल से और हमको आउटपुट में वाटर मिल रहा है. और जब भी हमको सोडियम इथेनेट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है एसिड है और ये हमारा बेस है,
राइट right? तो हमारी जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर. ये भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में. सो ये हमारा सॉल्ट है जिसे हम सोडियम इथेनॉइड कहते हैं और हमारा वाटर. सो ये रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और हमको सॉल्ट एंड वाटर आउटपुट में मिलता है. देन नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स. जो रिएक्शन है वो कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स है इसमें हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बोनेट्स नहीं कहते. जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स है राइट, ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स है और साथ में क्या है इसके फंक्शनल ग्रुप, कौन सा वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड का. हमने उसके साथ कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन की तो हमको आउटपुट में अगेन सोडियम इथेनॉइड मिला, वाटर एंड CO2 का इवोल्यूशन मिल रहा है. देन अगेन नेक्स्ट हमने कार्बोनेट यूज किया, अगेन इसमें हमको सेम सोडियम इथेनॉइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला. तो ये जो थी अभी तक के हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड, इट विल शोन इन डिफरेंट रिएक्शन. ये डिफरेंट रिएक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे शो किया है. नेक्स्ट वन इज सोप एंड डिटर्जेंट. हमने हमारे डे टू डे लाइफ में देखा है कि हम सोप और डिटर्जेंट का कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं. सो जो सोप होता है हम उसका यूज करते हैं बाथिंग और क्लीनिंग के लिए, वैसे ही डिटर्जेंट जो होता है वो यूज होता है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए या फिर वॉशिंग ऑफ फ्लोरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब ये हाइड्रोकार्बन्स के भी फॉर्म है, किस तरीके से हम देख लेते हैं. सो सोप इज ए वाटर सोल्यूबल कंपाउंड विच इज मेड अप वाया द प्रोसेस ऑफ सफेनिफिकेशन रिएक्शन. ये जो है बाय द प्रोसेस ऑफ सफेनिफिकेशन रिएक्शन से ये बनाए जाते हैं, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल, जिसे हम फैट्स भी कहते हैं. तो वेजिटेबल ऑयल, ऑयल जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, हाइयर कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसकी रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या फिर हम कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सफेनिफिकेशन रिएक्शन. और इसे हम क्यों कहते हैं सफेनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोप. हम इसमें से क्या बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सफेनिफिकेशन रिएक्शन. सो एक जनरल एग्जाम्पल है, जो हमारा सोप होता है जब भी हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक सिंपल मॉलिक्यूल, अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं या फिर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो ये हमारा सोप का एक सिंपल पार्ट है. जब ये डिजोल्व होता है तो आयनिक फॉर्म में होता है और इसका एक एंड जो होता है ये दो एंड्स है राइट. ये जो एक फॉर्म है ये टू एंड्स है, तो एक एंड होता है पॉजिटिव और एक एंड होता है निगेटिव. और हम ये कह सकते हैं कि ये ऑयल का ड्रॉपलेट है और ये वाटर रिपेलेंट होता है. ये क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में. क्या करता है अपने तरफ में, वाटर को अट्रैक्ट. सो ये एक सिंपल सोप का स्ट्रक्चर है जिसमें ये ऑयल का पार्ट है, जो हमारा ऑयल की रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. तो जो ऑयल है ये हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल और ये जो अनादर पार्ट है वो सोडियम का पार्ट है जो इसके साथ में अटैच्ड है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एग्जैक्टली होता क्या है. तो हाइड्रोकार्बन्स है ये, तो हाइड्रोकार्बन्स किस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड हाइयर कंपाउंड. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे हम काउंट कर लेते तो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स है, 17. कितने कार्बन आइटम्स है, 17 हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. देन हाइड्रोजन जो है वो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 35. एंड वन फंक्शनल ग्रुप डेट इज COOH जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, हाइयर वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं हमारे वेजिटेबल ऑयल्स का कंपोजिशन है. ये हमारा जो हमारा ऑयल का कंपोजिशन या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हाइयर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, 17. हमने अभी तक के देखा था कि सिर्फ 1, 2, 3, 4 अप टू द 10, हमने सिर्फ 10 तक के देखा था. तो अगर 10 से ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा है तो वो हायर हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे. किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का. जब इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो देन इट विल गिव्स दैट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज सोप. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोप.
First one is hardness. Harder soap which is a dense bar last longer. जितनी ज़्यादा hard होगी या फिर हम ये कह सकते कि जितनी ज़्यादा density होगी soap की वो उतनी ही ज़्यादा long चलेगी या फिर हम ये भी कह सकते कि उसकी जो life span होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा उसका weight होगा means जितनी बड़ी वो soap होगी उतनी ही ज़्यादा वो चलेगी. Next one is a cleansing. हम हमारे day to day life में soap का जो utilization करते as in cleansing purpose के लिए use करते. The first reason the majority of people use soap is to clean get clean. A soap molecule consists of chain of carbon atom. हमने हमारे previous slide में देखा है कि जो soap है वो higher hydrocarbons की chain उसमें available है. So जो chain है उसका जो एक end होता है वो water attract होता है और एक end क्या होता है water repel होता है. ये हमने diagram में देखा है. So जो एक एंड जो वाटर रिपेल होता है वो क्या करता है कि डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी पर से या फिर जो क्लॉथ्स हम वॉशिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसमें से डर्ट पार्टिकल्स को अपने तरफ खींचता है. देन अनादर एंड जो वाटर अट्रैक्टर होता है वो उसमें डिजोल्व करके वो डर्ट पार्टिकल को रिमूव करता है. तो ये मैकेनिज्म जो है वो यूटिलाइज होती है वो अडाप्ट होती है सोप और डिटर्जेंट में. तो सोप शुड बी बैलेंस्ड एंड नॉट टू मच और नॉट टू लेस क्लिनजिंग इंग्रेडिएंट शुड बी एडेड. इसमें जो है हमको एडिशनल कोई क्लिनजिंग एजेंट की नहीं करनी पड़ती है क्योंकि इंडिविजुअली इट्स सेल्फ हैव अ प्रॉपर्टी टू क्लीन द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द बॉडी और वी कैन से दैट फ्रॉम द क्लोथ्स डर्ट क्लोथ्स. नेक्स्ट वन इज अ कंडीशनर. सो सोप कंडीशनर्स आर रेफर्ड टू अ इमल्सेंट. Once you have washed your hand and what's left behind your skin after you rise, depend on the type of soap of the person use. इसका मतलब है कि जो conditioner soaps होते हैं कि उसमें already oil content होता है तो हम depend करते हैं कि किस तरीके का आप soap use कर रहे हैं. अगर आप cleaning के लिए soap use कर रहे हैं और आप जनरली वॉश करके देखेंगे आपके हैंड को और वो सॉप को आप रिमूव कर दीजिए तो आपके हाथ में आपको रियलाइज होगा कि सम मॉइस्चर आर इज देयर. अगर वो मॉइस्चर है अपने हाथ में और सम सॉफ्टनेस अपने हाथ में है इट मीन्स कि उसमें कंडीशनर है. इफ अगर हम लोग डिटर्जेंट वाली सोप यूज करते हैं हैंड वॉश के लिए तो जो मॉइस्चर है वो कम्प्लीट रिमूव हो जाता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग हार्ड सोप रहती है वो जो हमारे हाथ के मॉइस्चर को रिमूव कर देता है. फॉर इंटेंस consider a person who dry skin he or she should select a soap with moisturizing. अब ऐसा soap उसने select किया कि जिसके पास already moisturizing उसमें content है means soap में content है और उसने वो soap का utilization किया है तो after washing their hand वो prevent करता है water evaporation को means जो हमारे हाथ का मॉइस्चर है उसके इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है. डेट्स वाई अपने जो हाथ रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं. अदरवाइज अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप यूज करते तो वो प्रिवेंट नहीं कर पाता है. यही वो प्रॉपर्टी होती है कंडीशनर प्रॉपर्टी ऑफ द सोप. नेक्स्ट वन इज द लेदर. लेदर जो होता है ये फोमिंग एजेंट होता है या फिर जो सोप है उसमें ऑलरेडी जितना ज्यादा फोम बनेगा जितना ज्यादा हम फोर्थ फ्लोटेशन जो बोलते हैं फोर्थ बनेगा वही वो प्रॉपर्टी होती है लेदर प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर सोप. तो मोस्ट बहुत से ऐसे पीपल होते हैं जिनको फोमिंग जितना ज्यादा फोम निकलता है उस टाइप की सोप जो होती है वो पसंद आती है. द बैलेंस ऑफ बबल एंड क्लिनजिंग स्मूथिंग क्रीम मेक्स लेदर सो सेटिस्फाई. नेक्स्ट वन इज फ्रेग्रेंस. मोस्ट ऑफ द सोप्स ऐसे होते हैं कि हर किसी में से अलग अलग टाइप की फ्रेग्रेंस आती है अलग अलग टाइप की खुशबू आती है. किसी में से रोज की खुशबू आती है किसी में से लवेंडर की खुशबू आती है. तो एज पर द चॉइस ऑफ पीपल जैसे जैसे चॉइस बदलती जाएगी हर पीपल की. अगर एक पीपल को एक पर्सन को रोज की फ्रेग्रेंस पसंद है तो वो रोज टाइप की सोप को प्रेफर करेगा. अगर उसको लवेंडर फ्रेग्रेंस पसंद है तो वो लवेंडर टाइप की सोप प्रेफर करेगा. इट इज एन एसेंशियल फैक्टर. अरोमा इवक A unique combination of personal memory and enrich our daily life. इसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा fragrance अच्छी fragrance होंगी soap की तो अपने जो day to day life है वो enhance होती है. means जो fragrance है वो revitals us, calm us and most importantly mask our body odor. हमारी जो body की smell होती है उसको हटाकर वो अपनी खुशबू देता है जिसकी वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा freshness feel होती है. हमारी जो energy होती है body की वो बढ़ जाती है और हम अच्छे तरीके से अपने day to day life की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं.
नेक्स्ट वन इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो सोप और डिटर्जेंट है वो डर्ट पार्टिकल को रिमूव करता है फ्रॉम पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से, और वो एक साइड से रिमूव कैसे करता है और एक साइड से उसको रिपेल कैसे करता है। तो हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो सोप या डिटर्जेंट है वो किसका फॉर्म है या फिर कौन से रिएक्शन से बनती है, सेफोनिफिकेशन रिएक्शन में, और रिएक्शन किसके बीच में होती है, वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल ऑयल फैट एंड सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कंपाउंड्स है इसका यूटिलाइजेशन करके हमारा सोप का प्रिपरेशन होता है। जैसे ही हमने एक और डायग्राम में देखा था कि एक एंड में जो होता है, जो सोप की एक चेन है, एक मॉलिक्यूल है, उसके एक एंड में सोडियम मेटल है और एक एंड में उसके कार्बोहाइड्रेट्स है। सो सोडियम मेटल जहाँ पे आयन है वो वाटर रिपेलेंट है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेजन है वो है वाटर अट्रैक्टेंट। सो हम अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका क्लींजिंग एक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो बहुत से डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं या फिर ऑयली इन नेचर में, तो ऑयल जो है हमारा वाटर डिजोल्वेबल नहीं है, बट हमारा जो सोप है वो वाटर डिजोल्वेबल है, बट इट इज अ मेडअप ऑफ ऑयल। हमारा जो सोप का प्रिपरेशन होता है वो ऑयल से ही बनता है, और रिएक्शन किसके साथ करता है, सोडियम मेटल के साथ में, डेट्स वाई इट इज डिजोल्व इन वाटर, बट पर्टिकुलर ऑयल जो है हमारा वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप कंस्टिट्यूट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डिजोल्व हो जाता है इजिली वाटर में। इन केस ऑफ सोप द कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल एंड द आयोनिक एंड डिजोल्व इन वाटर। जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनादर डायग्राम है, जो आयोनिक फॉर्म है वो क्या हो जाता है, जो सोडियम मेटल जो है हमारा वो इजिली डिजोल्व इन वाटर, बट जो हमारा अनादर एंड है ऑयल, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो इजिली डिजोल्व इन ऑयल। जो हमारा डर्ट पार्टिकल है ऑयली इन नेचर में है वो इजिली डिजोल्व हो जाता है ऑयल में, और बाकी का जो हमारा सोडियम मेटल जो आयोनिक पार्ट है हमारा सोप का, वो कहाँ डिजोल्व हो जाता है, वाटर में। दस द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मिसेल। इस स्ट्रक्चर को जो जिसमें एक एंड जो है वो क्या है, डिजोल्वेबल इन ऑयल, और हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर रिपेलेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक, और अनादर एंड किसको कहते हैं हम लोग कि वाटर फिलिक, जिसमें वाटर इजीली फिल हो जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम मिसेल कहते हैं। देन नेक्स्ट, इन मिसेल वन एंड इज टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट एंड द अनादर एंड विच इज द आयोनिक फेस आउटसाइड। जो एक फेस किसके साइड में है, आयोनिक फेस में, और अनादर फेस किस साइड में है, ऑयल के साइड में है। देयरफॉर इट फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर एंड हेल्प्स इन अ डिजोल्विंग डर्ट व्हेन वी वॉश आवर क्लोथ्स। इसीलिए ही जो डर्ट पार्टिकल है इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं हमारे क्लोथ्स में से, जो हमारे खराब कपड़े होते हैं उसमें से हम इजीली डर्ट को क्या है, रिमूव कर पाते हैं। इन वाटर द सोप मॉलिक्यूल इज यूनिकली ओरिएंटेड विच हेल्प्स टू कीप हाइड्रोकार्बन्स पार्ट आउटसाइड द वाटर। ये जो है हमारा मिसेल मॉलिक्यूल वो इजीली हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो आउटसाइड द पार्ट रहता है, वाटर से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर फोबिक है, बिकॉज इट इज एन ऑयली नेचर होने की वजह से। When the cluster of molecules are formed, then hydrophobic tail comes at the interior of the cluster and the ionic ends comes at the surface of the cluster and this formation is called as micelle. ये simply definition है कि एक end जो है, जो हमारी hydrophobic end है, जो oil के side में होती है, और another hydrophilic nature जो हमारा ionic form जो है soap का, वो another end में होता है, और जो structure form होता है उसी structure को हम micelle कहते हैं। When the soap is in the form of micelle, then it has the ability to clean the oil dirt which get accumulate at the center. Thus, the micelle remains as a colloidal solution. Therefore, the dirt from the cloth easily washed away. The soap solution appears cloudy as it is form a colloidal solution which scattered light. Soap is a kind of molecule in which both the end have a different properties. सोप में जो होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, दोनों जो एंड होते हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है हमारा सोप का, उसके जो एंड्स होते हैं, एंड पॉइंट्स जो होते हैं, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। सपोज ये हमारी कार्बन चेन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जहाँ पे हमारा सोडियम मेटल का है अटैचमेंट हुआ था, जो हमने रिएक्शन में देखा हुआ है कि
रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइयर हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम मेटल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बीच की जो रिएक्शन होती है जिसको हम सफेनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उसी रिएक्शन से हमको सोप का फॉर्मेशन मिलता है। तो एक एंड जो होता है, ये वाला एंड जो होता है हाइड्रोफोबिक, जो ऑयली नेचर का होता है, और यही सेंटर ऑफ द मिसेल, जो हमारा मिसेल हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा स्ट्रक्चर, उसके वो सेंटर में होता है। और ये हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि जो वाटर से डरता है या फिर वाटर को रिपेल करता है, वाटर मॉलिक्यूल से दूर रहता है, उन दोनों के बीच में डिसोल्यूशन नहीं होता। बट द अनादर एंड जो है वो कौन सा है, आयोनिक एंड है, हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और इजीली वो एंड क्या होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो जो ये एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक एंड, वो क्या करता है कि जो डर्ट पार्टिकल जो होता है, ऑयली डर्ट पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द क्लोथ्स, वो उसमें अपने आप को डिसॉल्व कर लेता है। और जो ये एंड होता है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड, वो क्या करता है उस डर्ट पार्टिकल को खींच के पानी में डिसॉल्व कर लेता है। और इसी तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर क्लोथ्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है जिसको हम वॉश कर रहे हैं, डर्ट पार्टिकल उसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं। बिकॉज द सोप हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसके जो मॉलिक्यूल है उसके बोथ द एंड में दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। सो द फर्स्ट वन इज एन हाइड्रोफिलिक एंड विच डिजोल्व द वॉटर एंड इट अट्रैक्ट्स टू इट्स वेयर एज द सेकेंड एंड इज हाइड्रोफोबिक एंड डेट इज डिजोल्व इन हाइड्रोकार्बन्स एंड इट इज वॉटर रिपल्सिव इन नेचर। इफ द वन ऑफ द सर्फेस ऑफ वॉटर सोप इज प्रेजेंट देन द हाइड्रोफोबिक टेल विच इज द नॉट सोल्यूबल इन वॉटर वाइल अलाइन अलॉन्ग विद द वॉटर सर्फेस। डिटर्जेंट, वॉट इज डिटर्जेंट, एमिफेटिक मॉलिक्यूल दैट कंटेन चार्ज हाइड्रोफिलिक और पोलर ग्रुप एट द एंड ऑफ लॉन्ग लिपोफिलिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डिटर्जेंट। इट मीन्स डेट कि जिसमें बहुत ज्यादा हाईली चार्ज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वॉटर को अट्रैक्ट करता है, जिसमें बहुत ज्यादा हाइयर मेटल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है या फिर डिटर्जेंट प्रिपरेशन के लिए, उसके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पोलर ग्रुप्स एक वन एंड में होना चाहिए, जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है उसमें होना चाहिए। जो हाइड्रोकार्बन्स का जो लॉन्ग चेन है वो इजीली हमारे जो डर्ट पार्टिकल्स है फ्रॉम द क्लोथ्स वो आराम से निकाल सके, इसी को हम डिटर्जेंट कहते हैं। द चार्ज हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज कॉल्ड एज अ हेड एंड द लॉन्ग लिपोफिलिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज कॉल्ड एज अ टेल। डिटर्जेंट आर ऑल्सो नोन एज अ सर्फेक्टेंट्स एंड हैव दे हैव अ एबिलिटी टू डिक्रीज द सर्फेस टेंशन ऑफ वॉटर। जो डिटर्जेंट होते हैं वो सर्फेस टेंशन ऑफ वॉटर मीन्स द हार्डनेस ऑफ पर्टिकुलर वॉटर, कि जो हमारा हार्ड वॉटर होता है उसको वो सॉफ्ट कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे क्लोथ्स में से विदाउट हार्मिंग द क्लोथ्स हमारे क्लोथ्स को वो खराब नहीं करता है और उसमें से इजीली डर्ट पार्टिकल को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्जेंट, द कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज CMC। नेक्स्ट वन है एग्रीगेशन नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर इन द मिसेल। रिलेटिव मिसेल साइज इज इंडिकेटेड बाय मिसेल मॉलिक्यूलर वेट। The temperature at which detergent solution is around or above it is critical micelle concentration separate into two phase is called as cloud point. So these are the different properties of detergent. And what is detergent? Here we completed complete chapter carbon and its part 3 chemical properties of carbon and its compound. Thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई queries या suggestion है तो आप हमको comment box में comment कर सकते हैं। अगर आपको मेरा video अच्छा लगा तो आप please इसको like कीजिए, subscribe कीजिए, साथ ही share कीजिए।